दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 12 गदखंड का चैप्टर है 12, जिस चैप्टर का नाम है त्रिक्ष। इस चैप्टर के जितने भी MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 11 तक की सारा का सारा क्लास करा दिया हूँ, यदि नहीं देखे तो जाइए यूट्यूब पर प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में जो भी छात्र अभी तक व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF नोट्स सारा चीज़ मिलता रहता है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हुई इस चैप्टर के जितने भी MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है त्रिक्ष किस प्रकार की रचना है, काफी विवेक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कह रहा है आधुनिक त्रासदी, ऑप्शन बी में कह रहा है सुखांत की या हंसी लगने वाली या आधुनिक कॉमेडी है। तो त्रिक्ष किस प्रकार की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो त्रिक्ष एक प्रकार के आधुनिक त्रासदी के बारे में रचना है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही विस्तार रूप से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। यदि चैप्टर नहीं पढ़े तो एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए में कह रहा है जीवन, ऑप्शन बी में कह रहा है त्रिक्ष, ऑप्शन सी में कह रहा है रोज और ऑप्शन डी में कह रहा है घुसपैठिए। तो देखिए यहाँ पर जो त्रिक्ष कहानी है, यह त्रिक्ष एक प्रकार का तो कहानी है और इस कहानी के जो लेखक है यह उदय प्रकाश है। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो रिजल्ट क्लियर आएगा। ठीक है, इसलिए आपसे भी हमारे साथ जुड़कर अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर आ सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। उदय प्रकाश ने किस विद्यालय से एमए किया, बार बार बताते हैं एमए एक प्रकार का डिग्री। ऑप्शन ए में कह रहा है जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान, ऑप्शन बी में कह रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में कह रहा है सागर विश्वविद्यालय सागर और ऑप्शन डी में कह रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। उदय प्रकाश ने किस विद्यालय से एमए का डिग्री प्राप्त किया था, तो तीसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय सागर से करेक्ट आंसर आपसे सी बताओगे। आइए चौथे नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न लिखे कह रहा है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है, यानी उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है, दिनमान में या इंडिया टुडे में या प्रदीप में या धर्म युग में। तो आपके चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिनमान। करेक्ट आंसर आपसे भी याद रखोगे, ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया, यहाँ पर अंग्रेजी दिया याद रखना, इंडिया टुडे ब्लीज एमिनेंस या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दे रहा है कि संपादन विभाग में काम किया तो दीनमान, और यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी पत्रिका का संपादन खुद किया उदय प्रकाश। ठीक है, तो पांचवें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एमिनेंस। ठीक है, करेक्ट आंसर आपसे भी सी याद रखोगे। अगला प्रश्न की यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, मतलब कौन सा ऐसे पत्रिका के सहायक संपादक उदय प्रकाश जी थे। न्यूज स्टार, संडे मेल, नई दिल्ली, इंडिया टूडे, इनमें से कोई नहीं। छठे नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, संडे मेल नई दिल्ली का जो पत्रिका था इसका सहायक संपादक थे। करेक्ट आंसर आपसे भी बी बताओगे। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं आप सभी के लिए। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि लेखक को किसने बताया कि त्रिक्ष में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। लेखक को, मतलब लेखक कौन इस चैप्टर के, त्रिक्ष कहानी के लेखक कौन, उदय प्रकाश। तो उदय प्रकाश को किसने बताया था कि त्रिक्ष जो है यह काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर इसमें होता है। थानू ने बताया था, पंडित राम अवतार ने बताया था, नंदलाल ने या रामकिशोर ने। तो सातवें नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थानू ने बताया था। ठीक है, याद रखोगे, काफ़ी विवेक क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोलता हूँ यदि ऑब्जेक्टिव आपको समझ में नहीं आता तो सबसे पहले आप बुक को पढ़ा कीजिए। यदि बुक को पढ़ेंगे तो आपको आसान तरीके से ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा और बनेगा भी आपसे। ठीक है, आठ नंबर प्रश्न देखिए, करा उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। मतलब उदय प्रकाश कह रहा है कि दशहरा मतलब समझते हो ना, यानी हिंदू का जो दशहरा चालू होता है जिसमें दुर्गा पूजा होता है कह सकते हो। तो दशहरे के दिन यानी जब दशहरा का दिन चलता रहा है तो उस समय किस चिड़िया का हमें यूँ कहे तो देखना चाहिए, हमें उसका क्या कहते हैं परिक्रमा देख सकते, मतलब ये मनो देखना शुभ होता है, कौवा का, तोता का,
नीलकंठ का या कबूतर का, तो आपके आठवें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीलकंठ का। ठीक है, नीलकंठ चिड़िया को देखना शुभ माना जाता है उदय प्रकाश के अनुसार से। अगला प्रश्न के नौ नंबर प्रश्न कह रहा है, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए, 300 के 3 नोट दिए, राम अवतार ने, डॉक्टर पंत ने, कैशियर अग्निहोत्री ने, सरदार सतनाम सिंह ने। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा लाजवाब क्वेश्चन, इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो अभी आप लोग डाउट में हमेशा रहे। 300 के मतलब 300 के 1 नोट ही आता था उस समय, जो 3 नोट उनको मिला था किनको, तो लेखक को दिया था, कौन दिया था वही पूछ रहा है। तो 900 रुपया टोटल यू कह सकते हैं, तो राम अवतार ने, डॉक्टर पंत ने, कैशियर अग्निहोत्री ने, सरदार सतनाम सिंह ने। तो नौवें नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डॉक्टर पंत ने। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे, डॉक्टर पंत ने दिया था करेक्ट आंसर। आप सभी नौ का क्या बताओगे, बी बताओगे। अगला प्रश्न की यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, 10वां प्रश्न पूछ रहा है, लेखक के 2 स्वप्न में सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। जब लेखक को स्वप्न आता था तो उसमें से कहते हैं ना एकदम यानी घटिया प्रकार के जो सपना आता है, स्वप्न आता था, उसमें सबसे खतरनाक जो पात्र थे वह कौन थे। जब हम सपना देखते रहते हैं तो हम एक ही आदमी का सपना नहीं देखते, हम उसमें कई तरीके के आदमी का सपना देखते रहते हैं और कहते फलना ये किया हमारे साथ, फलना वो किया। तो इसी प्रकार से जब लेखक देख रहे थे तो उसमें सबसे खतरनाक जो पात्र, मतलब कौन सबसे खतरनाक रूप से लेखक को दिख रहा था 2 स्वप्न में, सांप तथा बिच्छू, शेर तथा त्रिक्ष, हाथी तथा त्रिक्ष या त्रिक्ष तथा बाघ। तो 10वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हाथी तथा त्रिक्ष, हाथी तथा त्रिक्ष करेक्ट आंसर आपसे सी बताओगे। क्वेश्चन 11वां प्रश्न, इस चैप्टर से हम टोटल 31 प्रश्न करेंगे, इसलिए आपसे भी बने रहिए वीडियो में और अच्छे से देख लीजिए। जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हर हाल में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। जब लेखक सपना में रहते थे तो वह क्या करते थे, चलते थे, रोने की, हंसने की, बोलने और चीखने की। 11वां क्वेश्चन लाजवाब प्रश्न आपके लिए, प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलने और चीखने की। लेखक जब भी सपना में रहते थे या तो वो बोलते थे या तो वो डर के मारे चीखने लगते थे, मतलब खूब कसकर चिल्लाने लगते थे, मतलब खूब कसकर बोलने लगे, मतलब वो चीखने लगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 12वां प्रश्न कह रहा है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, स्टैंड बस के पास, मिनरवा टॉकीज के पास, थाने के पास या ढाबे के पास। बाबू अगर आप लोग बुक नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए बुक पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, 12वां प्रश्न लाजवाब क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनरवा टॉकीज के पास। ठीक है, मिनरवा टॉकीज के पास करेक्ट आंसर आपसे भी बी बताओगे। क्वेश्चन 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। जब खतरनाक सपना आता था तो उस समय दुश्मन के बारे में तो हमने पढ़ाई और यहाँ पे अस्त्र के रूप में उसे क्या काम आता था, बंदूक, तलवार, आवाज, हंसना। 13वां क्वेश्चन लाजवाब प्रश्न करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आवाज, क्या हो जाएगा, आवाज। अगला प्रश्न की यहाँ पे 14वां प्रश्न कह रहा है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे, इलाज करवाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, किसान से मिलने के लिए, अदालत में पेशी के लिए। यहाँ पे 14वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखक के पिता शहर इसलिए गए थे, अदालत में अपना पेशी था, कोई ना कोई केस था उस पर, इसलिए वो गया था। जब चैप्टर पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आता है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी है, ठीक है, ऑप्शन डी बोला, यानी 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में एक ऐसी कहानी है जो उदय प्रकाश की नहीं है, अन्यथा 3 कहानी उदय प्रकाश की है। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है वारिस, ऑप्शन बी में कह दरियाई घोड़ा, तो चैप्टर में दिया हुआ है, जब हम पढ़ते हैं लेखक परिचय वहीं पे मंगोसिल भी दिया हुआ है और पीली छत्रीवाड़ी लड़की भी दिया हुआ है, लेकिन वारिस नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर पूछा था उदय प्रकाश की कहानी कौन सी नहीं है, तो वारिस नहीं है करेक्ट आंसर, इसलिए आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी, पीलिया की, अपेंडिस,
अपेंडिसाइट्स की, एनीमिया की, क्षय रोगी की। 16 नंबर क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपेंडिसाइट्स की। ठीक है, अपेंडिसाइट्स की उनको शिकायत थी लेखक के पिताजी के, ये बीमारी था उनके पिताजी को। ठीक है, याद रखना, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगला प्रश्न की यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, त्रिक्ष कहानी की कहा पिताजी का क्या नाम है। आपको बता दूँ कि हिंदी के गदखंड के चैप्टर नंबर 12 भी हम पढ़ रहे हैं, और इसके बाद गदखंड भी एक और चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है शिक्षा, 13 नंबर चैप्टर, और उसके पढ़ने के बाद हम काव्य खंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है त्रिक्ष कहानी के पिताजी का क्या नाम था, तो त्रिक्ष कहानी के पिताजी का क्या नाम था, राम निहाल प्रसाद, राम स्वास्थ्य प्रसाद, राम किशोर प्रसाद, राम बलि प्रसाद। तो 17 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, राम स्वार्थ प्रसाद, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। अगला प्रश्न के यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, त्रिक्ष शीर्षक का पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के, त्रिक्ष शीर्षक पाठ में लेखक के जो पिताजी हैं वो कितने साल के हैं, 56 साल के, 52 साल के, 55 साल के हैं या 57 साल के हैं। त्रिक्ष शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी मतलब उदय प्रकाश, कभी देखो ये प्रश्न को कैसे पूछ सकता है, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर, पूछेगा उदय प्रकाश के पिताजी कितने वर्ष के थे। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो उल्टा करके पूछा है कि त्रिक्ष शीर्षक पाठ के या त्रिक्ष कहानी के लेखक के पिताजी के कितनी उम्र थे, कितने साल के थे, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 56 साल के, 52 साल के, 55 साल के या 57 साल के। तो आपके 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 55 साल के। आपसे भी ये चारों ऑप्शन में बताएंगे सबसे बड़ा अंक कौन सा है, कहाँ बताना है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखना है, लाइव चैट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, 56 बड़ा है या 52 बड़ा है या 55 बड़ा है या 57 बड़ा है, आप सभी को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि हमें मालूम चले कौन कौन से छात्र क्लास को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, पंडित राम अवतार क्या थे, ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता थे, ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब, तो पंडित राम अवतार जो थे ये ज्योतिषी भी थे और वैद्य भी थे, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न के, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है त्रिक्ष कहानी के कहानीकारक है, त्रिक्ष कहानी के कहानीकारक कौन है, तो त्रिक्ष कहानी के कहानीकारक उदय प्रकाश। 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी। अगला प्रश्न की यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, पूछा है कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। देखिए यहाँ पे आप बता दो तो कौन सी कृति है जो उदय प्रकाश की नहीं, मतलब तीन वो कृति तो होगा ही, एक जो कृति होगा वो उदय प्रकाश का नहीं होगा। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं और जानकारी, पीली छत्रवाली लड़की अभी जस्ट हम बता रहे थे कि ये है, पॉल गुमराह का स्कूटर ये भी है, और अंत में प्रार्थना ये भी है, लेकिन टूटा हुआ जो पुल है यह उदय प्रकाश की नहीं है। तो 21 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। 21 का करेक्ट आंसर आपसे सी बताओगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, त्रिक्ष कैसी कहानी है, त्रिक्ष कैसी मिथ की ये कहानी है, मिथा बनाया गया कहानी में, या मनोवैज्ञानिक कहानी है, या सांस्कृतिक कहानी है, या प्रतीकात्मक कहानी है। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, करेक्ट आंसर याद रखना प्रतीकात्मक कहानी है। त्रिक्ष कैसी कहानी है, तो प्रतीकात्मक कहानी, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी। क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न की कह रहा है कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती, मतलब किस पिताजी की, लेखक के पिताजी की मृत्यु कैसे होती, त्रिक्ष के काटने से, धतूर के जहर से, दुर्घटना से, मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव से। 23 नंबर क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे फंसना नहीं। ठीक है, त्रिक्ष की मृत्यु कैसे होती, तो हम जानते हैं त्रिक्ष बहुत ही जहरीले चीज़ होते हैं, तो ऐसा नहीं डायरेक्ट त्रिक्ष पे लगा देना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे त्रिक्ष के पिताजी मतलब लेखक के पिताजी के जो मृत्यु होता है ये मानसिक सदमे और तथा अधिक रक्त स्राव से इनका मृत्यु हो जाता है, करेक्ट आंसर आपका 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 ईस्वी को, 20 फरवरी 1948 ईस्वी को, 18 जून 1944 ईस्वी को, 12 जुलाई 1944 ईस्वी को, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो 24 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर बताओगे, एकदम करेक्ट आंसर है उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था, मतलब स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न के प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, यहाँ पे अब बताओ एक ही कृति उदय प्रकाश की होगा, ठीक है, और तीन कृति नहीं होगा। कौन सी कृति है जो उदय प्रकाश की है, मात्र एक कृति उदय प्रकाश की होगा। ऑप्शन देखिए 25 का ऑप्शन एकदम ध्यान से देखोगे तो दरियाई घोड़ा जो लड़की वाला बता रहे थे तो ये है, अर्थात नीलझील, लिफा लिहाफ, रिक्ष, ये सब नहीं है। तो करेक्ट से हमारा बी एकदम देखने से ही पता चल जाता है।
क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न के कह रहा है त्रिक्ष के लेखक है, त्रिक्ष के लेखक कौन है, मल्लेश है, मोहन राकेश है, उदय प्रकाश है या भगत सिंह है, तो आपके 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उदय प्रकाश। जो भी छात्र नोट्स लेना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर आप सभी संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, संपर्क कीजिएगा। कुछ पैसा आपको पे करना पड़ता है जो बिहार में सबसे कम है, और उसके बाद आपको नोट्स मिल जाता है। त्रिक्ष क्या होता है, त्रिक्ष क्या होता है, जंगली सांप होता है, दरियाई घोड़ा होता है, भेड़िया होता है, विष खापर जहरीली लिजार्ड होता है। तो 27 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विष खापर जिसमें जहरीली लिजार्ड बोलते हैं वह त्रिक्ष होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है अरेबा फरेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, उपन्यास कृति है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन लाजवाब प्रश्न, तो आपके 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरेबा फरेबा उदय प्रकाश की कहानी संग्रह कृति है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कहानी कारक को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया था, यानी कहानी कारक को मतलब उदय प्रकाश को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, ऐसा किसने बताया था, कहानी कारक के पिताजी ने, कहानी कारक की माँ ने, कहानी कारक के भैया ने, या कहानी कारक के चचा ने, मतलब लेखक के पिता ने, लेखक के माँ ने, लेखक के भैया ने, या लेखक के चचा ने। यार लाजवाब, इतना उल्टा करके पूछेगा ना कि तुम फंस जाओगे कभी कभी, और ध्यान से अगर प्रश्न को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छा प्रश्न इतना आसान था और हमने गलत कर दिया। तो थोड़ा सा प्रश्न सबसे पहले पढ़ो, अच्छे से समझो, उसके बाद ही जवाब दिया करो। तो कहानी कारक को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, ऐसा किसने बताया था, तो कहानी कारक की माँ ने, क्योंकि माँ के ही यानी माँ के साथ हम लोग ज़्यादातर सोते हैं जब भी बचपन में रहते, तो माँ और या तो दादी, तो माँ उनका बताया था, ठीक है, बताई थी, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। अगला प्रश्न की यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन कह रहा है त्रिक्ष को कैसी कहानी माना जाता है, त्रिक्ष को कैसी कहानी माना जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है आदर्शवादी कहानी, बिल्कुल नहीं, आदर्शोन्मुख कहानी, बिल्कुल नहीं, बिंबनात्मक कहानी, बिल्कुल नहीं, जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी। चलिए इस चैप्टर से लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिक्ष कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, कहानी कारक से, कहानी कारक की माँ से, कहानी कारक के पिताजी से, या कहानी कारक के मित्र से। 31 नंबर क्वेश्चन लाजवाब, कहानी कारक के पिताजी से, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह हम चैप्टर नंबर जो 12 था गदखंड का बिहार बोर्ड का हमने ख़त्म कर लिया। अब हम बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 12 कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, उसके बाद गदखंड का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम पदखंड पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको बहुत बेहतर लगा हो, यदि क्लास बेहतर लगा तो आपसे भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।